रामलला के दर्शन का इंतजार सभी भक्तों को है। यही कारण है कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर हर ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कोरोना काल में शुरू हुई अयोध्या की रामलीला लोगों का खूब मन मोह रही है। इस रामलीला की खास बात ये रही कि इसमें फिल्म जगत से जुड़े तमाम फेमस कलाकार अयोध्या में रामलीला का मंचन करते हैं, तो वहीं इस बार भी सिनेमा और टीवी जगत से जुड़े बड़े कलाकार, अभिनेता और अभिनेत्रियां रामलीला के मंच पर रामायण के किरदारों को निभा रहे हैं। अयोध्या से शुरू से मैं जुड़ा रहा हूं, बहुत सालों से आता रहा हूं, अयोध्या में बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, कई सारे नए साल के भी प्रोग्राम किए, और मैं समझता हूँ कि ये राम जी की नगरी है, यहाँ पैदा हुए राम जी, और पूरे दुनिया का आकर्षण शुरू से ही रहा है अयोध्या। तो मैं समझता कि यहाँ पर दुबला भी आदमी, कमजोर आदमी भी आके अपने आप को समझता है अयोध्या, ऐसी कृपा करती है अयोध्या। बता दें कि अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला में शामिल हो गई है, जिसके हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दर्शक आके गए हैं। पिछले साल अयोध्या की रामलीला को 25 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने देखा था। बताते चलें कि अयोध्या की रामलीला की शुरुआत कोरोना काल में की गई थी, उस समय कहीं पर भी रामलीला नहीं दिखाई जा रही थी। तो वहीं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से रामलीला के लाइव मंचन को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी खासा पसंद किया जाता रहा है। बता दें कि अयोध्या की रामलीला का ये चौथा साल है जिसमें इस बार फ्री एंट्री की सुविधा भी दी गई है। अयोध्या में आके हमारे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी तीर्थ नगरी में नहीं आए हैं, स्वर्ग में आ चुके हैं। और सबको हमारा सौभाग्य है, मेरी पूरी टीम का, कि हम इतना हमारे को सौभाग्य मिला है कि हम सबको उस वेशभूषा में ला सके, और ये हमारा कर्तव्य है, हम इसको भली भांति अच्छे से निभा रहे हैं। जैसे कि बॉलीवुड से, दिल्ली से, मुंबई से सभी कलाकार हैं, ऑल इंडिया कलाकार आ रहे हैं। हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई श्री बॉबी मलिक द्वारा कि आप निभाइए इस रोल को, और हमारी पूरी टीम या मेकओवर राहुल प्रिंस, पूरी टीम इस काम को शिद्दत से निभा रही है। बहरहाल अयोध्या की रामलीला को विश्व की सबसे बड़ी रामलीला राम भक्तों ने बनाया है। करोड़ों राम भक्त जो घरों में बैठे हैं, वो प्रभु राम की रामलीला अपने घरों में बैठकर परिवार और बड़े बुजुर्ग के साथ मिलकर देख सकें, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह के सहयोग से अयोध्या की रामलीला संपन्न होती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवरात्रि के मौके पर डिजिटल और हाईटेक रामलीला का मंचन सरयू नदी स्थित राम कथा पार्क में शुरू कर दिया गया है। इस साल 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। अयोध्या की रामलीला से जुड़ी ये खास अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को जरूर दबाएं।